कोर्ट के फैसले से कई बार आम जनता की नाराजगी तो हमने बहुत देखी है और सुनी भी है, लेकिन एक वकील की नाराजगी ने पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मचा कर रख दी। ये घटना लोगों के बीच अब चर्चा का विषय बन गई है। हाई वोल्टेज ड्रामे ने काफी देर तक लोगों को परेशान कर दिया। दरअसल पटना हाई कोर्ट से अधिवक्ता ने छलांग लगा दी, जिसके बाद वो रेलिंग पर अटक गए, जहां से उन्हें अन्य वकीलों की मदद और पुलिस कर्मियों के द्वारा सुरक्षित उतारा गया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि वकील ने कोर्ट परिसर में कैसे जमकर हंगामा किया। उन्होंने हाई कोर्ट परिसर में ही सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि न्यूज 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में कार्यरत कर्मचारी और हाईकोर्ट में अपने केस को लेकर पहुंचे लोगों ने बताया कि देखते ही देखते वकील साहब ने इस तरह के आत्मघाती कदम को उठा लिया, जिसके बाद पूरे हाईकोर्ट परिसर में मानो अफरा तफरी मच गई। दरअसल अधिवक्ता ने जज के फैसले से नाराज होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का सोच लिया। वकील चीख चीख के कहने लगा कि कोर्ट हमारे लिए है, हम कोर्ट के लिए नहीं। वकील का पत्नी से दहेज को लेकर केस चल रहा था। हाईकोर्ट ने 2.5 लाख रुपए का जुर्माना इस पर लगाया। फिर क्या था, वकील सीधे पटना हाईकोर्ट के छज्जे पर चढ़े और जान देने की धमकी देने लगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।